गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर द इम्पॉर्टेंट क्लास. वी हैव बीन टेलिंग यू अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं वो मिक्सचर्स हैं स्टूडेंट्स. अगर वो मिक्सचर्स हैं तो अब जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है कि हाउ विल वी सेपरेट द मिक्सचर्स, इन मिक्सचर्स को कैसे हम सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री में कि हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए लेकिन आपके पास मिक्सचर्स हैं, एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे. ये सारा लेक्चर आज का इसी के ऊपर है कि हाउ टू सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. आज हम जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो हमारे जो लेक्चर है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम सेपरेट करेंगे. हाउ विल वी सेपरेट स्टूडेंट्स, How will we separate mixtures of compounds? तो separate करना है, mixtures हैं आपके पास, कई प्रकार के mixtures हैं students. मैंने आपको mixtures दे दी, उनको कैसे separate करेंगे, यहाँ का आज का topic सारा इसी के ऊपर है. तो देखिए कि सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, जैसे आपकी बुक में ही उसने डिस्कस किया कि एक मेथड होता है evaporation. देखो evaporation से हम कैसे separate कर सकते हैं mixture को. एवेपोरेशन में क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है स्टूडेंट्स जिसमें एक आपके पास मान लीजिए सब्सटेंस है आपके पास वो वोलाटाइल है. मिक्सचर के अंदर क्या है, एक सब्सटेंस जो है, एक जो कंपोनेंट है स्टूडेंट्स वो वोलाटाइल है. मतलब वोलाटाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तुम समझते हो कि वो इवेपोरेट हो सकता है, उसको हीट करेंगे तो वो उड़ जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा. और दूसरा जो कंपोनेंट है स्टूडेंट वो नॉन वोलाटाइल है. क्या है, नॉन वोलाटाइल. अब नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स क्या, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनके वेपर्स नहीं बनेंगे, वो इवेपोरेट नहीं होने वाले. तो ऐसे एग्जांपल्स जैसे कि आपने साल्ट और वाटर का एक मिक्सचर लिया है, साल्ट प्लस वाटर स्टूडेंट्स. देखिए हमने क्या किया कि आपके पास ये वाटर है स्टूडेंट्स और इसके अंदर आपके पास है NaCl. साल्ट कौन सा आपके पास, ये बीकर है मेरा, ये मेरा बीकर है स्टूडेंट. तो आपके पास इसके अंदर वाटर है, इसमें साल्ट है. साल्ट कौन सा, जो आप घर में खाते हैं वो कौन सा होता है, NaCl. या इसमें शुगर है स्टूडेंट्स, जो चीनी आप खाते हैं वो भी हो सकती है, या इसमें यूरिया वगैरह ऐसा कोई भी सब्सटेंस है स्टूडेंट. तो वाटर तो स्टूडेंट्स वोलाटाइल होता है. वाटर किस टाइप का कंपोनेंट है, इट इज वोलाटाइल. अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इसके वेपर्स बन जाएंगे, हीट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. आपको होता है कि वाटर इवेपोरेट होता है स्टूडेंट्स, तो ऑन हीटिंग पानी को मैं हीट करूंगा इसके वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स. लेकिन जो साल्ट है हमारा, साल्ट है, शुगर है स्टूडेंट्स, ये सब नॉन वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है स्टूडेंट्स. देखो पानी में नमक घुल चुका है, पानी में साल्ट डिजोल्व हो चुका है, अब इसको फिल्टर करने से मैं सेपरेट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सेपरेट द टू बाय फिल्ट्रेशन स्टूडेंट्स. तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन. ये इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन कैसे कर रहे हैं, हम आपके सामने हमने एक मेथड दिखाया है हाउ टू इवेपोरेट. तो कैसे इवेपोरेट करते हैं केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स किसी भी चीज को, पानी जो है वाटर की इवेपोरेशन करनी है, वाटर की मैंने इवेपोरेशन करनी है, वाटर को मैंने हीट करके वाटर इवेपोरेट हो जाता है. तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है स्टूडेंट, इस बीकर में मेरे पास एक सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है, ये है मेरा साल्ट सोल्यूशन. तो बीकर के अंदर साल्ट सोल्यूशन है मेरे पास, साल्ट सोल्यूशन मतलब नमक तो पानी में घुल चुका है. अब मैंने इसके ऊपर, मैंने ये वाटर है, बीकर में साल्ट सॉल्यूशन नहीं है, बीकर में मेरे पास स्टूडेंट, मेरे पास बीकर है, उसमें मैंने पानी को लिया है, वाटर को लिया है. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये बीकर है, ये वाटर है, इसके ऊपर मैंने एक एक डिश होती है वॉच ग्लास, मेरे पास क्या है, वॉच ग्लास है. तो यहां पर मैंने ये कह रहा हूं कि साल्ट सॉल्यूशन को तो मैं सीधा ही कर सकता हूँ. देखो अगर मेरे पास साल्ट सॉल्यूशन है, इफ आई हैव अ साल्ट सॉल्यूशन स्टूडेंट, अगर मेरे पास साल्ट सॉल्यूशन बीकर में है तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर विल इवेपोरेट और नीचे क्या बचेगा, साल्ट.
अगर ये बीकर है, इसके अंदर साल्ट सॉल्यूशन है, आपने वाटर को हीट कर दिया, वाटर को हीट कर दिया तो वाटर इवेपोरेट हो गया, साल्ट बच गया, इसके अंदर साल्ट नीचे बन जाएगा। अभी साल्ट इसमें डिजोल्व था स्टूडेंट्स, साल्ट इसमें डिजोल्व था। अब देखो जो मेन यूज इवेपोरेशन का हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, जो आपकी एनसीईआरटी में भी उसने बताया है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। देखो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं इवेपोरेशन, ये जो डायग्राम हमने दिखाई है स्टूडेंट इवेपोरेशन की, इस ये डायग्राम हमने जो शो किया आपको स्टूडेंट्स, ये इसलिए शो किया है कि हम आपको इंक जो होती है, इंक जो आप यूज करते हैं स्टूडेंट इंक, उसमें क्या होता है कि एक डाई होती है कलर्ड, और वो किसी सॉल्वेंट में होती है। डाई कैसे, जैसे ब्लैक कलर की इंक है तो ब्लैक कलर की डाई जो होती है वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दी जाती है। सॉल्वेंट कौन सा होता है आपको पता है, हम तो वाटर का बहुत यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट, लेकिन इसके अंदर एल्कोहल हो सकती है, एसीटोन हो सकती है। अब ये एल्कोहल या एसीटोन एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर एक डाई है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, तो इसको हम इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ, हम ये कर रहे हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, कौन सी कर रहे हैं हम, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो मेरे पास इंक है स्टूडेंट, आपके पास क्या है इंक। अब मैं ये कह रहा हूं इसमें एक ब्लैक कलर्ड की डाई है, ब्लैक कलर्ड की डाई है, और इसमें एक सॉल्वेंट है स्टूडेंट, एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट जो है ये वोलाटाइल है। सॉल्वेंट क्या है, वोलाटाइल है, मतलब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो कुछ कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने एसीटोन लिखा है या एल्कोहल लिखा है, वो फ्लेमेबल होते हैं स्टूडेंट, उन्हें आग लग सकती है, तो उनको डायरेक्ट हीटिंग नहीं किया जाती, उन्हें डायरेक्ट हीटिंग करके इवेपोरेशन नहीं किया जाता। पानी और साल्ट को तो मैंने डायरेक्ट कर लिया था, देखो जब साल्ट सोल्यूशन था आपके पास, इसको तो हमने डायरेक्ट हीटिंग की थी और क्या बन गया था, फिर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाटर इवेपोरेट हो गया और नीचे क्या बच गया, साल्ट, तो साल्ट सेपरेट हो गया, ये सॉलिड साल्ट नीचे बच गया था अगर मैंने इसको हीट कर दिया साल्ट सॉल्यूशन को। लेकिन मेरे पास अगर इंक होती है तो मैं ऐसा अरेंजमेंट करता हूं जैसा मैंने यहाँ पे शो किया। ये देखो एक बीकर है, इसमें पानी को बॉयल किया जाता है, इसको पानी, ये बीकर है जिसमें पानी पड़ा हुआ है, पानी को हीट किया जाता है, इसके ऊपर एक वॉच ग्लास है, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक वॉच ग्लास। तो एक ग्लास का बना हुआ प्लेट है आपको दिख रहे हैं, ग्लास की बनी हुई प्लेट है, उसमें हमने इंक डाल दी। अब इंक में क्या क्या है, तुमने कहा कि सर इसमें तो एक ब्लैक डाई जो है सब्सटेंस है, एक ब्लैक डाई मतलब एक ब्लैक डाई कंपोनेंट है, ये नॉन वोलेटाइल, ये सॉलिड है हमारे पास, एक तरीके से सॉलिड होता है ये, नॉन वोलाटाइल है, ये एवेपोरेट नहीं होता स्टूडेंट्स, लेकिन इसके अंदर एक और भी कंपोनेंट है जो वोलाटाइल है, जो सॉल्वेंट है इसका वो वोलाटाइल है स्टूडेंट, वोलाटाइल मतलब वो एवेपोरेट हो सकता है। अब इसके नीचे पानी उबलेगा तो स्टीम बनेगी, यहाँ जो स्टीम होगी स्टूडेंट, स्टीम से ये हीट अप होगा, स्टीम से ये हीट अप होगा, जब ये हीट अप होगा तो जो सॉल्वेंट होगा इसके वेपर्स बन जाएंगे, सॉल्वेंट के वेपर्स बन जाएंगे और ये इवेपोरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, और नीचे क्या बचेगा, ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस जो कि आपकी डाई थी ब्लैक, ब्लैक कलर की, तो आपने इंक को जो ब्लैक कलर का था डाई उसको सेपरेट कर लिया बाई द मीन्स ऑफ इवेपोरेशन। तो आपको समझ में आया कि इवेपोरेशन हमने की है, उससे हमने सेपरेट कर लिया है, क्या सेपरेट कर लिया है, जो इंक के अंदर कलर्ड डाई थी उसको हमने सेपरेट कर लिया। तो प्रिंसिपल इसका क्या है कि एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, दूसरा नॉन वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, जो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो उनको हम हीट करेंगे इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से एक मेथड है जिससे हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वी कैन सेपरेट वोलाटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे हमने लिखा है आपके लिए, देखो वोलाटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट है,
और उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है स्टूडेंट, उसको बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो एक मेथड मैंने बताया इवेपोरेशन। देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है और इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? देखो कि आपने आपने क्रीम देखी है कैसे बनती है स्टूडेंट्स। मान लो क्रीम है, आप दूध में से क्रीम निकालनी है। अगर आपने दूध में से स्टूडेंट क्रीम निकालनी है तो आप जो है सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं। आप अपने मिल्क की डेयरी में जाके देखें कि वहां पर वो क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करते हैं। हम ये कह रहे हैं जो क्रीम होती है स्टूडेंट वो हम निकाल सकते हैं मिल्क में से। किसमें से? मिल्क में से। इवन जो पनीर भी बनाते हैं स्टूडेंट, जो चीज होता है, चीज क्या होता है? पनीर होता है स्टूडेंट। ये भी हम मिल्क से बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं। मिल्क क्या होता है स्टूडेंट? मिल्क जो होता है ये एक, मिल्क में क्या होता है कि एक ऑयल फैट्स होती है, ऑयल फैट्स होती है, वो भी लिक्विड की फॉर्म में होती है और वाटर में डिजोल्व होती है, और वाटर होता है मिल्क के अंदर। अब इसमें से ये ऑयल वाली फैट्स को हमने निकालना है। अब इसका कोई और तरीका नहीं है, इसको आप फिल्टर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे ये सेपरेट नहीं हो सकती। अब ऑयल फैट है, आपने क्रीम बनानी है, बटर बनाना है मिल्क से, आपने पनीर बनाना है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि आपने पुरानी एक टेक्निक देखी है जो आपके घरों में भी है, मदानी। मदानी क्या से आप क्या करते हैं? चर्निंग करते हैं। आप क्या करते हैं? मिल्क की चर्निंग करते हैं, मतलब बहुत तेजी से इसको रिड़कते हैं, इसकी रोटेशन करते हैं। आपके पास आजकल जो इलेक्ट्रिकल स्टिरर्स भी होते हैं मिल्क में, आपने दूध में वो डाला। देखो ये बर्तन है आपका, इसमें आपने मिल्क ले लिया, ये आपका मिल्क है स्टूडेंट। इसमें एक वो स्टिरर आते हैं, स्टिरर आते हैं, आपने देखी होंगी ऐसे, ये जब मदानी टाइप होती है, इसको आप बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हो। हाई स्पीड पे रोटेशन दी जाती है स्टूडेंट, हाई स्पीड पर रोटेशन दी जाती है। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? एक एक डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, दो टाइप के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर स्टूडेंट, डेंसर पार्टिकल्स और एक लाइटर पार्टिकल्स। लाइटर पार्टिकल्स देखो, ये जो ऑयल आपके पास है, ऑयल वाला जो फैट है, जो फैट है स्टूडेंट, ऑयल वाली जो फैट है, ये डेंसर होते हैं पार्टिकल्स, ये हैवियर होते हैं, हैवियर होते हैं, ये लाइटर होते हैं, ये लाइटर होते हैं। तो जब बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं स्टूडेंट लाइटर पार्टिकल्स। तो व्हेन यू विल गिव ए हाई स्पीड रोटेशन, हाई स्पीड रोटेशन, तो हाई स्पीड रोटेशन जब हम करेंगे स्टूडेंट, हाई स्पीड से रोटेशन करेंगे, रोटेशन करेंगे, तो क्या होगा? जो हैवियर पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट वो सेपरेट हो जाएंगे। हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं, हैवियर पार्टिकल्स, हैवियर जो कंपोनेंट है इसके अंदर, जो ऑयल वाली फैट है स्टूडेंट्स, वो डेंसर है, डेंसर है, वो सेपरेट हो जाएगी। दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम लेस डेंसर, जिसकी डेंसिटी कम है, जो लाइटर पार्टिकल एंड लेस डाइसर, लेस डेंसर पार्टिकल्स। तो दो टाइप के पार्टिकल्स थे आपके पास, एक ऑयल वाले, फैट वाले, जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी, जो हैवियर थे, और वाटर की डेंसिटी कम थी स्टूडेंट। जब आप बहुत हाई स्पीड से रोटेट करोगे तो क्या होगा? वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूजेशन से आपको क्रीम मिल जाती है मिल्क से, आप पनीर बना सकते हैं मिल्क से। और सेंट्रीफ्यूजन का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि वी कैन सेपरेट द डेंसर पार्टिकल्स फ्रॉम लेस डेंसर पार्टिकल्स बाय रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। आपके केमिस्ट्री लैब में आपको एक मशीन मिलेगी, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। देखो ऐसे ये दिख रही है, इसमें ये ट्यूब है, इस ट्यूब में मैंने डाला हुआ है लिक्विड जिसमें एक हैवियर पार्टिकल्स हैं और लाइटर पार्टिकल्स हैं। इसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है, ये मोटर होती है इसमें जिससे बहुत तेजी से ये घूमता है। जब ये बहुत तेजी से घूमेगी टेस्ट ट्यूब, ये जो ट्यूब है बहुत तेजी से घूमेगी, जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट वो नीचे बैठ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। तो ऊपर क्लियर लिक्विड रह जाता है, नीचे हैवियर पार्टिकल्स आते हैं। इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाती है।
हम डेंसर पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स लाइटर पार्टिकल्स, लेस डेंस पार्टिकल से बाय गिविंग हाई रोटेशन हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कोई भी मिक्सचर लेंगे, उसे रोटेट कर देंगे बहुत फास्ट, तो डेंसर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर रह जाएंगे, तो सेपरेशन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे हम क्रीम बनाते हैं, मिल्क से पनीर बनाते हैं, बटर आप लोग बनाते हैं। और ये डायग्नोस्टिक लैब जो होती है, जहाँ ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है, उनमें भी ऐसी मशीनों का यूज किया जाता है स्टूडेंट, जहाँ पर आप ब्लड ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाते हैं। देखो, ब्लड और यूरिन लेबोरेटरी जहाँ पर यहाँ टेस्टिंग होती है, उसमें भी ये सेंट्रीफ्यूजन का यूज करते हैं। आपके वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सुखाए जाते हैं, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़ों में पानी है, तुम्हारे कपड़ों में पानी है, उनको बहुत हाई स्पीड से रोटेशन दी जाती है, पानी को आपने बंद कर दिया वॉशिंग मशीन में और हाई स्पीड से रोटेशन दी, तो क्या होगा, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, वो कपड़ों में से बाहर निकल आएंगे, कपड़े बहुत मोटे हैं, उनमें से पानी बाहर आ जाएगा, जब हाई स्पीड पे रोटेशन करोगे तो वाटर स्क्वीज आउट हो जाता है। वेट क्लॉथ्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, उनमें से हम क्या कर लेते हैं, वाटर को स्क्वीज आउट कर देते हैं, वाटर बाहर आ जाता है। किसमें ये करते हो आप, वॉशिंग मशीन में, तो आपकी वॉशिंग मशीन में भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन चल रही है, इसकी एप्लीकेशन आपको पता लग गई, वॉशिंग जो मशीन आप यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, गीले कपड़े को सुखाने के लिए बहुत हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है, तो इसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ये जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं पानी वाले, वो बाहर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, और हैवियर वाले अंदर रह जाते हैं, तो इस तरह से आपके कपड़े सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। हाउ विल यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाउ विल यू प्रिपेयर बटर फ्रॉम मिल्क, हाउ विल यू प्रिपेयर चीज फ्रॉम मिल्क, ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, जिससे जो हमने दो हैवियर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से सेपरेट कर दिया, बहुत तेजी से घुमाना है उसको, बहुत हाई स्पीड पे घुमाना है मतलब, तो उसके लिए ये मशीन मैंने दिखाई, आप अपने दूध जहाँ पे डेयरीज है मिल्क की, वहां जाके देख सकते हैं क्रीम को बनता हुआ, आप देखोगे कैसी मशीन लगा रखी है, जिसमें बहुत तेजी से दूध को घुमाया जाता है, तो क्रीम अलग होती रहती है। आप देखो, और सेपरेशन की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास टू लिक्विड्स हैं, मैं ये कह रहा हूं आपने सेपरेट करने हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब बताओ इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो दो लिक्विड है आपके पास, वो आपस में डिजोल्व नहीं होते। देखो आपके पास दो लिक्विड है, आपके पास किरोसिन ऑयल है स्टूडेंट, आपको पता किरोसिन ऑयल जहां होता है वहां पानी भी होता है, वहां वाटर और किरोसिन ऑयल का एक मिक्सचर है। ये दो लिक्विड्स हैं, ये आपस में इमिसिबल हैं, इमिसिबल का मतलब ये आपस में डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे में स्टूडेंट। अब इनको सेपरेट करना है, तो इनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल से ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेटिंग फनल आपके सामने मैंने यहाँ दिखाया है एक डायग्राम, देखो किरोसिन ऑयल जो है वो पानी से लाइटर है, किरोसिन ऑयल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, मैं ये कह रहा हूँ जो किरोसिन ऑयल है स्टूडेंट्स, किरोसिन ऑयल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो ये इमिसिबल है, इसी को क्या बोलते हैं, इमिसिबल। और ये देख रहे हैं आप, किरोसिन ऑयल इज लाइटर, किरोसिन ऑयल इज लाइटर देन, किरोसिन ऑयल क्या है, लाइटर देन वाटर है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, पानी ये है, ऊपर किरोसिन ऑयल है, दो सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी, इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल, दो सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी, दे विल फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, एक स्टॉप कॉक है, दो सेपरेट लेयर्स बन गई स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉप कॉक है, इसको मैं खोल दूंगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मैंने यहाँ पे एक बिकर लगा दिया या कोई भी मैंने यहाँ पे रख दिया अटेंसिल, सबसे पहले कौन सा बाहर आएगा, वाटर, करोसिन पहले वाटर आ गया, फिर बताओ बाद में कौन सा आएगा, ऑयल, ठीक है गुड आंसर, तो क्योंकि किरोसिन ऑयल लाइटर था, किरोसिन ऑयल की डेंसिटी पानी से कम थी क्या, यस और नो जल्दी बताओ, यस सर, तो जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी कम है फ्लोट है, तो डेंसिटी का डिफरेंस है, दूसरा कि एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, जब एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते स्टूडेंट, तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, पहले वाटर आ जाएगा,
फिर किरोसिन ऑयल आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था कि हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इनमिसिबल लिक्विड्स। इसमें कोई डाउट है तुम्हें, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, कोई डाउट है, समझ में आ गया? अभी अभी तक मैंने तुम्हें पहले इवेपोरेशन बताई कि आपके इंक के अंदर से डाई निकालनी है, तो आपने कहा कि इसको इवेपोरेट कर दो क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट वोलाटाइल है एक नॉन वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल वाला इवेपोरेट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन से तो मैं कर नहीं सकता इनको सेपरेट। तो इस तरह से हमारे पास मिक्सचर से हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए, तो प्योर बनाने के लिए हम सेपरेशन का यूज कर रहे हैं। आप देखो कि आपके पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट जो सबलाइम हो जाते हैं, यू नो व्हाट इज सबलिमेशन, अब बताओ व्हाट इज सबलिमेशन स्टूडेंट्स, व्हाट इज सबलिमेशन, देखो कुछ, हाँ बताओ बताओ, जलीयदार प्रोसेस में सबलिमेशन है, कौन से क्या होते हैं, व्हाट इज सबलिमेशन, व्हेन गैस चेंजेस टू सॉलिड और सॉलिड चेंजेस टू गैस, ठीक है बिल्कुल सही बताया कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाते, सॉलिड से सीधे गैस में चले जाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो कि इनके पास जब हम मैं हीट करता हूं तो सॉलिड के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आती है, वो गैस लिक्विड नहीं बनाता, सीधा गैस बना लेता, इसको क्या बोलते हैं सबलिमेशन। कुछ एग्जांपल बताएंगे आप स्टूडेंट मुझे, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं सब्सटेंसेस हैं जो सबलाइम करते हैं, कुछ नाम बताइए, आपको बताइए कुछ, हाँ बोलो क्या, कौन से, नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स आप घर में यूज करते हैं, यस और नो जल्दी बताओ, कहां पे यूज करते हो, ये जो नेफ्थलीन एक कंपाउंड होता है स्टूडेंट, इसकी बॉल्स आप यूज करते हो, कहां पे यूज कर रहे हो, घर के अंदर बाथरूम में फ्रेशनर लगाए हुए हैं बहुत सारे लोगों ने, तो ये क्या होते हैं, ये नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, उनके अंदर परफ्यूम डाल देते हैं, तो नेफ्थलीन तो इवेपोरेट करता रहेगा, वो क्या करता रहेगा, सबलाइन सबलाइन में सबलाइन होता रहेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वो आपको ने देखा जो टिक्कियां सी आप डालते हो फ्रेशनर जो होते हैं वो बाथरूम के अंदर, स्मेल को, गंदी स्मेल को खत्म करने के लिए, यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अपने आप ही चले जाता है, अपने आप ही उड़ जाता है, अपने आप ही ये सबलाइम हो जाता है, इसके वेपर्स बन जाते हैं, कोई लिक्विड नहीं बनता। तो नेफ्थलीन बॉल्स का आप घर में यूज कर रहे हो, कैम्फर का नाम सुना तुमने, कैम्फर का भी सबलिमेशन होता है स्टूडेंट, और ये आयोडीन सॉलिड होती है वो भी कम होती है, अमोनियम क्लोराइड होता है स्टूडेंट सॉलिड, इसकी सबलिमेशन हो जाती है, क्या होती है सबलिमेशन, ये सब्सटेंस को हीट करेंगे तो ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सबलाइम हो जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने क्वेश्चन ये दिया उन्होंने कि यू आर प्रोवाइडेड विद ए मिक्सचर ऑफ NaCl प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ये दोनों सॉलिड है स्टूडेंट्स, इनको सेपरेट करना, अब इनको सेपरेट करना, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया आपके, तो आप बताओ फिर क्या करोगे, इन दोनों को कैसे सेपरेट करोगे, यू हैव टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड, स्टूडेंट्स हाउ विल यू सेपरेट द मिक्सचर, सर बाय सबलिमेशन, बाय सबलिमेशन, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया आदित्य, तुमने सही आंसर दिया सबलिमेशन। देखो हमने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई है ये शो करने के लिए कि सबलिमेशन कैसे की जाती है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर एक ये चाइना डिश रखी हुई है, चाइना डिश कहते हैं इसको, ये चाइना डिश क्या होती है, इसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट कर सकते हैं, इसके अंदर मैंने ये मिक्सचर डाल दिया, ये वाला मिक्सचर मैंने चाइना डिश में डाल दिया स्टूडेंट, यहाँ पे जो चाइना डिश है इसके अंदर हमने क्या किया, ये ऐसे बनी होती है चाइना डिश, और ये ऐसे मटेरियल की बनी होती है कि हाई टेम्परेचर में मैं इसको हीट कर सकता हूँ, इसके अंदर मैंने ये मिक्सचर डाल दिया, इस चीज का मिक्सचर डाल दिया, ये वाला जो मेरे पास मिक्सचर था स्टूडेंट्स NaCl और अमोनियम क्लोराइड, अब इसके ऊपर हमने एक फनल रखा है, देख रहे हैं ये उल्टा करके फनल रखा गया है और यहाँ पे कॉटन लगाई गई है, अब ये जब मैं इसको हीट करूंगा स्टूडेंट नीचे से तो क्या होगा कि NaCl तो वहीं रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड सबलाइम कर जाए तो इसके वेपर बन जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड था स्टूडेंट्स, ये सॉलिड से गैस के वेपर्स बन गए, इसके क्या बन गए वेपर्स, जी जी मतलब गैस, तो ये सबलाइम हो गया, सबलाइम होने के बाद ये यहां से उड़ेगा, अब ये फनल के साथ में जब यहाँ पर आएगा तो सबलिमेशन, ये फिर अमोनियम क्लोराइड गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाएगा, साइड्स ऑफ द वॉल देख रहे हो फनल की, यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा, तो ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में सॉलिडिफाइड हो जाएगा यहाँ पर फनल की साइड्स पर, फिर हम ऊपर कॉटन प्लग इसलिए रखी है कि इसके वेपर्स बाहर ना चले जाएं, तो फिर इसको हम फनल को उतार लेंगे और इसमें से हमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, समझ में आया आपको, बोलो कोई डाउट है इसमें, कोई एनी डाउट स्टूडेंट्स,
तो हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं सच मिक्सचर्स NaCl एंड अमोनियम. NaCl इज नॉट गोइंग टू सब्लाइम बट अमोनियम क्लोराइड विल सब्लाइम स्टूडेंट्स, देयरफॉर द टू कैन बी सेपरेटेड. आप देखो कि हमारे पास क्या है, एक जब आप कहते हो कि ये लो मेरी मेरे पास इंक है, आप कह रहे हो ये मेरे पास एक ब्लैक इंक है, स्केच पेन की, स्केच पेन के अंदर आपके पास ब्लैक इंक है. देखो स्केच पेन की जो ब्लैक इंक है एक्चुअली में वो प्योर ब्लैक नहीं है, उसके अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर एक से ज्यादा कलर्स होते हैं, एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, इट हैज मोर देन वन कंपोनेंट. कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर स्टूडेंट टू और थ्री कलर्स की डाइज हो सकती है, कलर्स की डाइज हो सकती है. कोई भी स्केच पेन आप लेते हो, रेड कलर भी लेते हो, तो आपको पता है वो प्योर रेड नहीं होता, उसके अंदर दो या तीन से डिफरेंट डाइज होती है. डाइज क्या होती है, जिनके कलर्स होते हैं. इसका मतलब इसके अंदर एक कंपोनेंट नहीं है, दो या तीन या उससे ज्यादा कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इनको हमने सेपरेट करना है. इनको सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट्स एक मेथड है हमारे पास जिसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि अलग अलग कलर्स, क्रोम का मतलब कलर्स, अलग अलग कलर्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अलग अलग कलर अलग अलग कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज, एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो इसके कारण हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट ड्यू टू डिफरेंस इन एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज. एड्सॉर्प्शन कहते हैं एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज, ड्यू टू डिफरेंस इन एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डाइज, और ये डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेज, तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, डिफरेंट कंपाउंड हैं, उनकी एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. अगर मेरे पास रेड कलर है, ब्लू है स्टूडेंट, और ग्रीन है, मतलब ये तीन कलर हैं अगर मेरे पास एक इंक में, एक एक जो आपका स्केच पेन की इंक है उसमें तीन कलर्स हैं, तो इन तीनों की एड्सॉर्प्शन डिफरेंट होने वाली है. तो ये तीनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं जो क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी का मतलब है द सब्सटेंसेस विल बी सेपरेटेड बिकॉज दे विल बी एड्सॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑन सम सब्सटेंस. अब एक सब्सटेंस होता है जिसे एड्सॉर्बेंट कहा जाता है, जिसके ऊपर ये एड्सॉर्ब होते हैं, तो इनकी एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो उससे वो सेपरेट लेयर्स सेपरेट कलर्स में निकल आएंगे जब हम उनमें डाल देंगे. तो हमने जो यहाँ पे शो किया स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं दिस टेक्निक वाज यूज्ड टू सेपरेशन ऑफ कलर्स, इज अ टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. तो आपके जो इंक है, हम कह रहे हैं कि उसमें एक कलर नहीं है, एक से ज्यादा कलर है, मतलब एक से ज्यादा डाइज है उसमें, एक से ज्यादा सब्सटेंस है. लेकिन अगर उनको सेपरेट करना है तो हमने क्या किया स्टूडेंट, एक यहाँ पर जो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी दिखाई है उसे बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी. ये सबसे सिंपल वाली क्रोमेटोग्राफी है जो आप अपनी साइंस की लैब में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट. क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि एक पेपर होता है स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं ये पेपर है, ये क्रोमेटोग्राफिक एक स्पेशल पेपर होता है स्टूडेंट, स्पेशल पेपर होता है, इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर. तो यहां पर मैंने एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया स्टूडेंट, क्या लिया, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, एक स्पेशल पेपर होता है. जैसे फिल्टर पेपर तो आपने केमिस्ट्री लैब में देखी है, ये ऐसा पेपर होता है क्रोमेटोग्राफिक, ये फिल्टर पेपर से डिफरेंट होता है. ये एक पेपर लिया मैंने स्टूडेंट, इस पे पेंसिल से मैंने एक लाइन डाली है, यहां पर मैंने वो इंक डाल दी, एक ड्रॉप डाल दिया, देखो एक ड्रॉप यहाँ पर देख रहे हैं, स्पॉट ऑफ इंक है ये. तो मैंने ये, आपने ये लिया था पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये पेपर है आपका क्रोमेटोग्राफी का स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने पेंसिल से एक लाइन डाल दी. अब क्या किया, यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर मैंने स्पॉट लगा दिया, वो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने स्पॉट लगा दिया ये इंक का, ये मेरे पास इंक है जिसका स्पॉट मैंने लगा दिया इसको. ये एक जार है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये एक जार है, इसके अंदर मैंने डाल दिया वाटर, ये वाटर है, और इस पेपर को, ये जो फिल्टर पेपर, ये वाला पेपर है मैंने इस जार के अंदर डाला है. देखो ये एक जार है,
ये एक जार आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको होल्ड करने के लिए मैंने इसमें वो डाल दी कोई पेंसिल या कोई भी चीज। अब यहाँ पे मैंने पानी डाला है, वाटर, ये वाटर है स्टूडेंट, पूरा नहीं यहां तक पानी डाल दिया, तो ये पानी के अंदर पेपर थोड़ा डिप हो गया, ये क्रोमेटोग्राफ पेपर इज डिप्ड इन इमर्स्ड इन वाटर, देख रहे हैं ये पानी के अंदर है, ये वाटर है नीचे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो पेपर है ये पानी को ऊपर खींचेगा, क्या करेगा, ये पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा पेपर के, और ये जो स्पॉट है इंक का ये भी देखोगे आप डिफरेंट कलर्स में सेपरेट होता जाएगा, क्या होगा डिफरेंट कलर्स में स्टूडेंट सेपरेट हो जाएगा। मान लो इसके अंदर आपको जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये कलर ये आ गया, और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एक कलर, ये दो डिफरेंट कलर्स मिले हैं मुझे यहां, देख रहे हो इस इंक के अंदर ये दो डिफरेंट कलर्स थे, ये एक नीचे आ गया एक ऊपर आ गया, ये सेपरेट हो गए, ये सेपरेट हो गए स्टूडेंट, सेपरेशन हो गई है इसके अंदर, दो दो थे डाइस दोनों की सेपरेशन हो गई है, ये सेपरेशन हो गई, दो डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, यस और नो जल्दी बताओ, आपको दो दिख रहे हैं डिफरेंट कलर्स स्टूडेंट्स, यहां पर तीन भी हो सकते हैं, अगर तीन होंगे तो एक कलर और आ जाएगा, देख रहे हैं ये अलग अलग कलर्स हमें मिल गए, ये सेपरेशन हो गई, तो जो आपकी इंक थी स्टूडेंट उसके अंदर तीन चीजें थी, यहाँ पे तीन कलर डिफरेंट आ गए क्योंकि उनकी एड्सॉर्प्शन इस पेपर पर डिफरेंट थी, तो वो ये ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ, ये कम एड्सॉर्ब हुआ, ये उससे कम एड्सॉर्ब हुआ जब पानी ऊपर चढ़ता गया, तो इस तरह से इसे बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स को हमने दिखाया सेपरेट होते हुए, इसीलिए इसका नाम भी ऐसा रखा क्रोम, क्रोम मीन्स कलर। तो हमारे तीन जो सब्सटेंसेस एक ही सॉल्वेंट में प्रेजेंट थे, एक ही लिक्विड में प्रेजेंट थे, वो तीनों सेपरेट हो गए बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो इसका देख रहे हैं आपने, हमने जो ब्लैक इंक थी उसको सेपरेट कर, आपको दिख रहा है यस और नो जल्दी बताओ, दिख रहे हैं कलर सेपरेट, बोलो समझ में आ गया क्रोमेटोग्राफी, बोलो स्टूडेंट्स आपको क्रोमेटोग्राफी समझ आ गई, कोई डाउट है? नो सर। हो गई ना समझ, आ गई कैसे सेपरेट करते हैं, इसे बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। yes, तो आप सेपरेट कर सकते हो। देखो अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पर, अगर आपके पास दो लिक्विड्स हैं स्टूडेंट्स और ये मिसिबल है, मिसिबल है मतलब आपस में ये डिजॉल्व हो गए, एक मैंने इमिसिबल बताए थे वो तो सेपरेटिंग फनल से मैंने किया था सेपरेशन, अब ये मिसिबल है, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है, देखो बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है स्टूडेंट, ठीक है, इफ द टू मिसिबल लिक्विड्स आर देयर और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है, सो दे डिफर इन द बॉइलिंग पॉइंट्स, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास एक एसीटोन है स्टूडेंट, एक वाटर, वाटर का देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका तो 50 से भी कम होता है, इसका लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपस में डिजोल्व हो जाते हैं, एसीटोन डिजोल्व इन वाटर, अब इनको सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम दिखाई आपको डिस्टिलेशन की, तो वी कैन सेपरेट टू विसिबल लिक्विड्स स्टूडेंट्स विच डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, when the difference in boiling point is very large I can use a process called distillation, distillation में क्या चीजें, दो चीजें यूज होती हैं, देखो इसमें evaporation होती है और दूसरा condensation का यूज होता है student, condensation का यूज होता है, देखो यहाँ पर एक round bottom flask है, इसके अंदर acetone और water का mixture है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये round bottom, ये thermometer लगाया गया है जिससे temperature note कर लूंगा मैं, यहां पर देख रहे हो ये ट्यूब लगी हुई है जिसमें से ये जब वेपर्स बनेंगे तो इसमें से आएंगे और इसके ऊपर से पानी देख रहे हो, यहां से पानी जा रहा है, पानी आ रहा है, इसे कंडेंसर कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं कंडेंसर, कंडेंसर देखो यहां पर जब तुमने हीट किया स्टूडेंट तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है जल्दी बताओ, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एसीटोन का या वाटर का, कौन सा मैंने दिखा, एसीटोन का, तो पहले सबसे पहले वेपर्स किसके बनेंगे, एसीटोन के या वाटर के, एसीटोन के, तो एसीटोन के वेपर्स पहले बने, यहाँ पे थर्मामीटर पे पता लग जाएगा कितने टेम्परेचर पर ये बॉयल हुआ, रीडिंग आ जाएगी मेरे पास, जब एसीटोन के वेपर बनेंगे स्टूडेंट तो वो यहाँ से निकलेंगे और इस ट्यूब से पास कर जाएंगे, ठीक है, जब यहाँ पर पानी ये ऊपर देख रहे हैं पानी बाहर से ट्यूब में ठंडा कर रहा है, ये वेपर्स को कंडेंस कर रहा है, कंडेंस कर रहा है,
यहाँ पे वेपर्स को कंडेंस किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, तो वेपर्स का क्या बन जाएगा फिर? लिक्विड। जब वेपर्स होते हैं गैस के, उसे ठंडा करते हो तो क्या बनेगा? लिक्विड। तो इस ट्यूब में लिक्विड बनेगा, तो ये मैंने कलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले कौन सा आया इसमें? एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन यहां पर आ जाएगा। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम था और आपको सेपरेट कर लिया आपने वाटर और एसीटोन, और 100 डिग्री पर फिर पानी आएगा। अगर 100 हीट करते रहोगे, जब सारा एसीटोन निकल जाएगा तो वाटर क्या होगा, फिर 100 डिग्री पे वाटर को तुम इवेपोरेट कर सकते हो और कंडेंस कर सकते हो। तो इस तरह से मिक्सचर हम सेपरेट कर लिया एसीटोन और वाटर का। कैसा, कौन सा मेथड यूज किया स्टूडेंट मैंने, इसे क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन का यूज किया गया। क्या यूज किया? डिस्टिलेशन। अब आपका ये एसीटोन और वाटर का सेपरेशन हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। स्टूडेंट्स, अगर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस ज्यादा है तभी कर सकता हूं, कम से कम 25 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर मुझे इसको इम्प्रूव करना पड़ता है, उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखते हैं यहां पर, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास दो लिक्विड्स हैं या दो से ज्यादा लिक्विड्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपस में मिसिबल हैं, मिसिबल है मतलब ये डिजोल्व हो जाते हैं आपस में एक दूसरे में। अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस इनका कम है, 25 डिग्री से लेस है बॉइलिंग पॉइंट का, सेंटीग्रेड में या केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से कम है स्टूडेंट्स, तो फिर इसके लिए डिस्टिलेशन के को हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। डिस्टिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक टेक्निक होती है, उसका क्या नाम है, उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करूंगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोई बता सकता है? अभी मैंने डिस्टिलेशन की डायग्राम दिखाई थी, यहां पर मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डायग्राम बनाई है। आप बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसके अंदर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज किया गया है स्टूडेंट। क्या यूज किया गया है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये देख रहे हो एक ट्यूब, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दी मैंने, ये फ्लास्क था डिस्टिलेशन में, ये डायरेक्ट लगा हुआ था, एक इसके साथ मैंने एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज किया है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, बीड्स, इनको बीड्स कहते हैं, ये पड़े हुए हैं। अब इससे क्या होगा कि जब दोनों लिक्विड मैंने हीट किया, दोनों लिक्विड के वेपर बने, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था स्टूडेंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो तो इसके ऊपर से निकल गया, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो फिर वापस गिर गया इसी लिक्विड में, वापस गिर गया इसी लिक्विड में। तो इस ट्यूब को, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को ऐड करके हमने क्या किया कि हमने मॉडिफाई कर दिया, स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर दिया इस प्रोसेस को, डिस्टिलेशन को, उन लिक्विड्स के लिए, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस कम होता है। तो देखो जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से या 25 केल्विन से कम होगा, लेस होगा, तो फिर मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा बताओ, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? कौन सा मेथड लगाऊंगा फिर मैं? अगर लिक्विड्स आपको एग्जाम में देता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 के से लेस है, तो कौन सा मेथड यूज होगा उनको सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट्स, बताओ कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो जब पेट्रोलियम, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम इसी मेथड से सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको पता है पेट्रोलियम पेट्रोल का बहुत यूज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट, एक नहीं होते, इट इज अ मिक्सचर। जो पेट्रोलियम होता है वो मिक्सचर होता है, आपको पता है एयर भी आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस स्टूडेंट्स। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज ऑल्सो ए मिक्सचर, पेट्रोलियम भी एक मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं पेट्रोलियम में, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट। तो इन सबको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो
एयर की आप देखेंगे, आपको हमने एक चैप्टर है हमारा 10th में जिसमें हम एयर एयर से डिफरेंट गैसेस को बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, वो सारी हम सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर में से नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और गैसेस को सेपरेट कर लिया जाता है। पेट्रोलियम के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 के है। जब डिफरेंस लेस देन 25 के लिखो या सेंटीग्रेड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस 25 से कम है, तो इसलिए उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? एनी डाउट बोलो, कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स? यस सर। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, ये लाइव क्लास है, लाइव इंटरेक्शन है, ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी इसकी यूट्यूब में, आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर, नो डाउट। अच्छा, वेरी गुड। आप देखो कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर हम शो कर रहे हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। देखो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो आपके एयर में हमारे पास देखो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और हमारे पास आर्गन है, ये गैसेस हैं एयर के अंदर। अब देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट इनके मैं बता रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट्स देखो लिक्विड्स हैं ये तो ये गैस है, गैस के बॉइलिंग पॉइंट -183 ये डिग्री सेल्सियस बता रहा है। -183 कितना होता है? जीरो, तो जीरो पे तो पानी जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट है ये, -183 है इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी है? गैस है, हवा में ऑक्सीजन है वो तो गैस की फॉर्म में है ना। मैं यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड्स के होते हैं, लिक्विड्स के होते हैं, पहले उसका लिक्विड बनाऊंगा तब तो बॉइलिंग पॉइंट बताऊंगा। तो लिक्विड इसका कितना है? -186, इसका कितना है? -196। तो नाइट्रोजन का ये उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पर, नाइट्रोजन का कितना है? -196 और आर्गन का कितना है? -186। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं आप देख रहे हैं, और इनकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है वॉल्यूम में देख रहे हैं, ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है? 20.9% जो एयर है हमारी, एयर में बाय वॉल्यूम स्टूडेंट कितनी ऑक्सीजन है? 20.9। तो 20.9% ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, और नाइट्रोजन कितनी है? 78.1, और ये कितनी है आर्गन स्टूडेंट? 0.9। तो आर्गन एक इनर्ट गैस होती है, बहुत कम है। देखो यहाँ पर हमने इस टेबल में आपको बताया इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आपके पास एयर है स्टूडेंट, आपने सेपरेशन करनी है, क्या करनी है? सेपरेट करनी है इससे गैसेस, कौन सी गैसेस निकालनी है एयर से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। तो आप बताओ कि गैस को, गैस से मैं कैसे निकालूंगा? आपने पढ़ा था एक लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होती है, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा। बताओ गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? बताओ जल्दी, आपको कैसे? अगर आपके पास कोई गैस है उसका लिक्विड कैसे बनता है? जल्दी बताओ, क्या करोगे आप? टेम्परेचर को कम करोगे? यस और नो, जल्दी बताओ। गैस है उसका टेम्परेचर कम कर दोगे, कम कर दोगे, कम, तो कम करोगे तो क्या होगा? वो लिक्विड में बन सकती है, और प्रेशर को इंक्रीज करूंगा। तो गैस का मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? इसका मैं इंक्रीज करूंगा प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा और टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगा। तो जब मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा स्टूडेंट तो क्या होगा? देखो जब आपकी फ्रिज में पानी होता है वो बर्फ कैसे बनता है? फ्रीजर के अंदर बर्फ जमती है ना, आपने देखा अपनी फ्रिज में, देखा है कि नहीं देखा? जल्दी बताओ, फ्रिज में बर्फ जमाते हो तो फ्रीजर क्या करता है? पानी में से पानी को कूल करता है, ठंडा करता है, ठंडा करता है, ठंडा करता है, तो हीट को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। तो हीट जब निकलती रहती है तो क्या होता है? जब 0 डिग्री पर आ जाएगा पानी तो वो बर्फ बन जाएगी। तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना आपके फ्रिज में, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो टेम्परेचर कम होने से लिक्विड क्या सॉलिड बन गया? अगर गैस है कोई तो गैस का टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या होगा? वो धीरे 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 किस टेम्परेचर पे लिक्विड बनेगी?
देखो यहाँ पर जब हम धीरे धीरे इन हम क्या कर रहे हैं, इनको इनका टेम्परेचर कम कर रहे हैं और प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो एयर जो गैस थी यहाँ पे, एयर गैस थी, ये बन गई लिक्विड। क्या बन गया? लिक्विड। अब लिक्विड जो बना स्टूडेंट, उसमें कितनी चीजें हैं? अब ये जो लिक्विड बना है उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं जल्दी बताओ। लिक्विड गैस के लिक्विड में कितने, एयर का जो लिक्विड तुमने बना लिया ठंडा करके स्टूडेंट, उसमें कितने चीजें हैं? तीन। कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। अब आपका लिक्विड एयर बन गया। लिक्विड एयर में कितने कंपोनेंट्स हैं बताओ स्टूडेंट जल्दी, कितनी कितने चीजें हैं आपके पास, कितने कंपोनेंट्स हैं लिक्विड की एयर में, कितने कितनी गैसेस मैंने बताई हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गोन है। आप इनको सेपरेट करेंगे, कैसे करेंगे? फ्रैक्शनेटिंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टूडेंट्स बोलो समझ में आया? अब जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले वेपर किसके बनने वाले हैं जल्दी बताओ? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तीन चीजें हैं, सबसे पहले किसके वेपर बनेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? ऑक्सीजन है, सबसे कम ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये माइनस में दिए हुए हैं, तो ओके नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 है, ये सबसे कम है, ये लीस्ट है, नेगेटिव है ना। तो सबसे पहले कौन सी गैस आने वाली है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बताओ? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये सबसे पहले फर्स्ट गैस होगी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बाहर आएगी, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -196, मतलब -196 का मतलब ये है कि सबसे लीस्ट वैल्यू इसकी है, ये सबसे पहले आएगी। फिर दूसरी गैस कौन सी आएगी नंबर 2 पर कौन सी गैस बाहर कार्बन आएगी? ये इसका उसके बाद कौन सी आ रही है? माइनस में है, तो ये सबसे कम है, आर्गॉन नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे कौन सी आएगी? ऑक्सीजन नंबर 3 पे ऑक्सीजन गैस बाहर आएगी, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है स्टूडेंट, इसलिए मैंने बताया। तो देखो कि हमने एयर को कैसे सेपरेट किया। पहले हमने एयर को लिक्विफाइड किया। लिक्विफाइड कैसे किया तुमने एयर को बताओ? कि तुमने एयर को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज किया और प्रेशर को इंक्रीज किया, और उसके बाद फिर तुमने जब लिक्विड एयर बन गई तो उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दी। क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं देखो बहुत नजदीक नजदीक हैं, 183, 186, 196, तो ये 25 से कम है डिफरेंस, 25 से कम है, तो डायरेक्ट डिस्टिलेशन नहीं हो सकती। तो हमने कौन सा मेथड यूज किया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो गैसेस जो होती हैं स्टूडेंट्स वो सेपरेट हो गई बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर ये हमने आपको शो किया दैट वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, हाउ विल यू सेपरेट द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो आप इसको लिख सकते हैं पेपर में कि यू कैन सेपरेट देम बाय पहले लिक्विफिकेशन, देन बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्टूडेंट, बहुत बार यूज होती है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स हैं उनके अंदर, तो उनको सेपरेट करने के लिए उनके बॉइलिंग पॉइंट 25 K से लेस होते हैं, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो भी मिक्सचर्स ऐसे हैं जो आपस में लिक्विड्स होते हैं, मिसिबल होते हैं, उनको सेपरेट हम कर सकते हैं। तो आज के जो लेक्चर में हमने आपको मेनली ये बताया है कि केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर जो सब्सटेंसेस हमारे पास हैं, मिक्सचर्स हैं, और हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए, तो हम उनको प्योर बनाने के लिए सेपरेट करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। और कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनकी जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट की, या वो इनसॉल्युबल हैं, या वो इवेपोरेट हो सकते हैं, वोलाटाइल हैं, या वो सेंट्रीफ्यूज हो सकते हैं, मतलब उनके डेंसिटीज में डिफरेंस होता है, तो फिर मैं सेंट्रीफ्यूज का यूज कर लेता हूँ। उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो मैं उनको बॉयल कर लेता हूँ। अगर वो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं, इमिसिबल होते हैं, तो मैं सेपरेटिंग फनल का यूज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। और अगर वो बहुत थोड़े अमाउंट्स में प्रेजेंट है और उनकी एड्सॉर्प्शन डिफरेंट होती है पेपर के ऊपर, तो मैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का यूज कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, जो मिक्सचर्स हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कौन से मेथड से केमिस्ट्री में सेपरेट कर सकते हैं। आप बताइए, आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स?
एनी डाउट? सारा नो समझ में आ सर। गया पूरा? यस सर। तो ओके देन, मेरा लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है और मैं ये अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, आप इसको हमारे यूट्यूब के चैनल में देख सकते हैं, और वो हमने ऑलरेडी आपको बताया है इसका जो है नाम केमिस्ट्री डिकोडेड डैश सुनील सीकरी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसमें ये वीडियो आपको मिल जाएंगी, इनको आप सुन सकते हैं। और भी बहुत सारे जो लेक्चर हम उनमें डाल रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पेपर के, और जो जो बच्चे एनटीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आगे कंपटीशन में जाने वाले हैं उनके लिए अभी हम क्वेश्चन और बहुत सारे लेक्चर्स डाल रहे हैं, तो ये सारे वीडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सुन सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी मतलब आप पास कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आई थैंक यू वेरी मच फॉर बी विद मी एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे। Thank you for answering questions intelligently. Thank you, sir. Okay.